यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम यहाँ पर समझते हैं कि इक्वाडोर में मिले नए कोरल रीफ को। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह में कोरल रीफ की नई समूह की खोज की है। वैज्ञानिकों को ये कोरल रीफ एक गहरे पानी के वैज्ञानिक अभियान के दौरान मिले हैं। 400 मीटर की गहराई पर मिला ये नया कोरल रीफ समूह लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। यहाँ प्रचुर मात्रा में समुद्री जीवन और रीफ में 50% से अधिक जीवित प्रवाल मिले हैं। अभी तक इस द्वीप पर केवल एक गैलापागोस रीफ ही था, जिसे विलिंगटन रीफ भी कहा जाता है। गैलापागोस यहाँ पाए जाने वाले विशाल कछुओं, अल्बाट्रॉस, कॉर्मेरेंट और कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। गैलापागोस द्वीप को चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के लिए प्रेरणा माना जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कोरल रीफ सामान्यतः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। कोरल रीफ एक विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कोरल के अंदर एक और छोटा समान रूप से जटिल पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद होता है। कोरल के अंदर इस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय को कोरल माइक्रोबायोम के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ 400 से अधिक कोरल की रंग बिरंगी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। अपनी विशालता, विविधता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।